स्टार्ट स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक। तो हमने बेसिकली यहाँ तक ये किया था कि पोस्ट क्या होती है। उसके बाद आज हम आते थे कि पोस्ट के अंदर जो आप कंटिन्यूसली पोस्ट ऐड करते जाते हैं, फिर हमने सीखा कि कैटेगरीज क्या होती हैं। कैटेगरीज ये होती हैं कि आपके पास मल्टीपल टाइप्स ऑफ पोस्ट हैं, ठीक है। आपके पास पाकिस्तान की न्यूज़ हैं, आपके पास इंटरनेशनल न्यूज़ हैं, आपके पास स्पोर्ट्स की न्यूज़ हैं, आपके पास एंटरटेनमेंट की न्यूज़ हैं, आपके पास क्या कहते हैं स्पोर्ट्स मैंने कर लिया, या ब्लॉग क्या कहते हैं कॉलम्स एंड आर्टिकल्स हैं, या जिसे ओपिनियन सेक्शन कहते हैं वो है। तो आप इस उस अपने जो ब्लॉग है उसको इन सब कैटेगरीज के अंदर डिवाइड कर लेंगे। सो जो पाकिस्तान की न्यूज़ हैं वो सिर्फ पाकिस्तान के कैटेगरी के अंदर शो हो रही होंगी, जो इंटरनेशनल न्यूज़ हैं वो इंटरनेशनल कैटेगरी में शो हो रही होंगी। और ये बेसिकली आप क्यों करते हैं कि जब कोई यूज़र आपके पास आपकी वेबसाइट पर आता है तो उसको क्या कहते हैं ना देखने में आसानी हो, उसको आपका ब्लॉग समझने में आसानी हो, उसको पता हो कि यार मैं क्या देख रहा हूँ और कौन सा सेक्शन मुझे कहाँ पर मिलेगा, कौन सी न्यूज़ मुझे कहाँ पर मिलेगी। तो जब भी आपको ऐसी क्या कहते हैं ऐसी ऑर्गेनाइज वेबसाइट पर जाएंगे तो आपको अच्छा भी लगेगा और आप दोबारा भी उस पर आना पसंद करेंगे, ठीक है। कैटेगरीज ये थी। हमने पढ़े टैग्स क्या हैं। हमने कहा कि टैग जो हैं वो स्पेसिफिक टॉपिक्स हैं जो किसी एक ब्लॉग से रिलेटेड हो सकते हैं। जैसे एक कैटेगरी ये हो जाती है क्लोथिंग, सब कैटेगरी हो जाती है मेंस क्लोथिंग, वुमेन्स क्लोथिंग। वुमेन्स क्लोथिंग के अंदर अब आगे आते हैं तो हम कहते हैं समर कलेक्शन है, विंटर कलेक्शन है, ये सब कैटेगरी होगी। अब विंटर कलेक्शन के अंदर हम पढ़ते हैं ब्रांड्स। अब ब्रांड्स में हमारे पास मल्टीपल ब्रांड्स हैं, जैसे हमारे पास जीन, एक जीन वुमेन एक ब्रांड है, जुने जमशेद का जे डॉट एक ब्रांड है, खाड़ी एक ब्रांड है, ठीक है। इसका मतलब मल्टीपल ब्रांड है। अब इन ब्रांड में से किसी आप एक स्पेसिफिक ब्रांड के ऊपर एक पोस्ट कर रहे हैं तो उसके अंदर भी कुछ सर्चेज होती हैं जिनको आप अपने आर्टिकल में कवर नहीं कर सकते, तो आप उनके टैग्स क्रिएट कर देते हैं, ठीक है। जैसे आप एक पोस्ट क्रिएट कर रहे हैं जीन की समर विंटर कलेक्शन के बारे में, अभी विंटर कलेक्शन आ रही है, विंटर कलेक्शन के बारे में, लेकिन आप देखते हैं लोग जीन के बारे में क्या सर्च कर रहे हैं, ठीक है। हम यहाँ पे जाते हैं, हम देखते हैं लोग जीन के बारे में क्या सर्च कर रहे हैं। एट द बॉटम जाए आपको नजर आएगा लोग जीन के बारे में सिर्फ जीन सेल सर्च कर रहे हैं, जीन न्यू अराइवल सर्च कर रहे हैं। तो ये दो चीजें जो है इनको आप अपना टैग बना देंगे सिर्फ जीन के लिए, ठीक है। जीन न्यू अराइवल, जीन सेल। अब ये कोई कैटेगरी नहीं है, ये कुछ क्या कहते हैं सब कैटेगरी नहीं है, ये एक स्पेसिफिक टॉपिक है जो जीन से रिलेटेड है। सो आप जीन के जितने भी आर्टिकल्स क्रिएट करेंगे आप उनके अंदर ये टैग भी ऐड कर देंगे। तो जब कोई जीन सेल पे सर्च क्लिक करेगा तो उसके अंदर वहाँ पे शो हो जाएंगे लाइक जीन की समर सेल, जीन विंटर सेल, जीन फॉल जो सेल, जीन की स्प्रिंग सेल, ईद कलेक्शन सेल एटसेट्रा। तो वो सारी पोस्ट हैं वो इसके अंदर आ जाएंगे, लेकिन ये कोई स्पेसिफिक कैटेगरी नहीं है। हाँ, अगर आपका ब्लॉग सिर्फ और सिर्फ जीन के बारे में है तब ये कैटेगरी बन सकता है, लेकिन अगर क्योंकि आपका ब्लॉग क्लोथिंग के बारे में है तो ये क्या कहते हैं सब टॉपिक्स हैं, तो इनको आप टैग्स में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। फिर हमने पढ़ा था मीडिया क्या है। मीडिया ये लाइब्रेरी है जिसके अंदर आपकी तमाम मीडिया फाइल्स आती हैं, आपकी पिक्चर्स, आपकी वीडियोस, आपकी पीडीएफ फाइल्स, आपकी डॉक्यूमेंट्स, ये सब की सब यहाँ पे विजिबल होंगी, ठीक है। और इनके अंदर हमने पढ़ा था कि इनको आप किसी तरह डिफाइन कर सकते हैं, आप अल्टरनेट टेक्स्ट मेंशन कर सकते हैं। अल्टरनेट टेक्स्ट ये होता है इन केस कि पिक्चर किसी वजह से लोड नहीं होती, जो यूज़र है उसकी इंटरनेट स्पीड जो है वो कम है तो उसकी जगह पे उसकी इमेज विजिबल नहीं होती तो उसको टेक्स्ट नज़र आ जाएगा और वो टेक्स्ट से अंदाज़ा कर ले कि बेसिकली यहाँ पे क्या किस चीज़ की पिक्चर थी, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे अल्टरनेट टेक्स्ट लिखा हुआ है मेंशन विद अ ब्यूटीफुल गार्डन, तो मेंशन विद अ ब्यूटीफुल गार्डन तो उसको लगेगा हाँ यहाँ पे कोई मेंशन की तस्वीर थी, एटसेट्रा एटसेट्रा। टाइटल आप जो भी मेंशन करना चाहें, कैप्शन आप जो भी मेंशन करना चाहें, आप डिस्क्रिप्शन दे दें। तो इसका फ़ायदा क्या होता है कि आपकी जो पोस्ट है और जो आपकी इमेज है ये गूगल में रैंक हो जाती है। जैसे हमने देखा जीन वुमेन, ये एक सर्च है, यहाँ पे हमें सारी वेबसाइट नज़र आ रही हैं, लेकिन अगर आप इमेजेस में जाते हैं तो यहाँ भी तो कुछ शोर है। अब ये इमेजेस कैसे शो हो रही हैं, ये कैसे रैंक हो रही हैं, इनके लिए उनके पीछे ये अल्टरनेट टैग्स, इनके पीछे कैप्शन, इनके नीचे डिस्क्रिप्शन, ये सबको डिफाइन करना पड़ता है, ठीक है। अब ये दो चीज़ें हमने लास्ट लेक्चर में कवर कर ली थी। इस लेक्चर की बात आती है तो हम स्टार्ट करेंगे पेजेस से। हमने पढ़ा पोस्ट क्या है। पोस्ट ऐसी चीज़ है जो रिकरिंग है, आप बार बार न्यू पोस्ट क्रिएट करते हैं और ये डायनामिक कंटेंट होता है जो आपको बार बार नया ऐड करना पड़ता है अपने ब्लॉग्स को कंटिन्यू करने के लिए, अपने ब्लॉग्स को अपडेट करने के लिए, ठीक है।
आप पीजीस पे आते हैं तो पीजीस यूजुअली ऐसी चीजें होती हैं जो स्टैटिक होती हैं, ठीक है, यूजुअली बहुत ज्यादा चेंज नहीं होती, जो कंटेंट स्टैटिक रहता है और फॉर लॉन्ग टर्म होता है। अब इसमें कैसा आता है, मैं आपको एक अगेन वेबसाइट दिखाता हूँ, अगर आपने मेरे पुराने लेक्चर सुने हैं तो मैं इस वेबसाइट का बार बार रेफरेंस देता हूँ, ठीक है, अगर ये अच्छा मैंने अनमिस कर दिया तो ये दो डिफॉल्ट पेजेस हमारे पास शो हो रहे हैं, मैं दोनों को फिलहाल डिलीट कर रहा हूँ। ये भी आपने देखा होगा अगर लास्ट लेक्चर के अंदर हमने पढ़ा था कि एक पोस्ट के अंदर ये क्या ऑप्शन हैं, एडिट क्या है, क्योंकि एडिट क्या है, ट्रैश क्या है, और प्रीव्यू क्या है, और व्यू क्या है। प्रीव्यू तब होता है जब ये कोई पोस्ट या पेज आपने पब्लिश ना किया हो, उसको आप देख सकते हैं ये कैसा नज़र आएगा। ये यूजली आप तब करते हैं जब आपकी वेबसाइट लाइव हो गई हो और आप कोई नया ब्लॉग ऐड करना चाहते हैं, क्योंकि हमारी वेबसाइट भी लोकल सर्वर पर है तो हम पब्लिश फौरी तौर पर दबा देते हैं। लेकिन इन केस मोड अगर आप एक वेबसाइट जो लाइव हो उसके अंदर आप उसको पब्लिश कर दें और एक पोस्ट पूरी रेडी ना हो तो इंडेक्स हो जाए तो आपकी साइट की रैंकिंग पे असर पड़ता है, ठीक है, तो इसके लिए हम उसको प्रीव्यू करते हैं, ठीक है। अच्छा यहाँ पे मैं बताऊँ कि अगर आप देखें, अब पता नहीं इसमें मेंशन पेजेस बने हुए हैं कि नहीं, सर वो देखना पड़ेगा, ठीक है, ये पेज है प्राइवेसी पॉल्स, ये क्या मसला है, अच्छा उसमें ठीक है, देखिए अभी इसमें एक पेज है प्राइवेसी पॉलिसी का, और ये प्राइवेसी पॉलिसी का जो पेज है ये एक स्टैटिक पेज है जिसके अंदर आपने डिफाइन की हुई अपनी अपनी पॉलिसी को कि अगर कोई भी विजिटर जो हमारी वेबसाइट पे आ रहा है तो हम उसकी क्या इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं और हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो बेसिकली इसमें हम इसमें बताते हैं कि हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है अगर कोई चीज़ हमारे वेबसाइट से जो आप के बारे में ली जा रही है तो वो हम नहीं ले रहे, वो थर्ड पार्टीज मोस्टली गूगल एनालिटिक्स लेता है, गूगल या एडसेंस जैसे एड्स शो हो रहे हैं ये गूगल एड्स के हैं तो वो ले रहे होते हैं, और इससे चीज़ें यहाँ पे शो होती हैं। और ये है एक स्टैटिक पेज, और इसी तरह मैं एक और वेबसाइट ओपन करता हूँ जहाँ पे शायद मैं ज़्यादा अच्छे से बता सकूँ कि वो चार पाँच पेजेस जो हम हर ब्लॉग के लिए बनाते हैं उनमें से एक पेज होता है अबाउट अस, दिस वन अबाउट अस, कॉन्टेक्ट अस, टर्म्स ऑफ यूज, प्राइवेसी पॉलिसीज, ठीक है, अबाउट अस के अंदर आप बताते हैं कि आप क्या हैं, आपने वेबसाइट क्यों बनाई है, अगर किसी को कॉन्टैक्ट करना है तो हमसे कॉन्टैक्ट कर लें। कॉन्टैक्ट अस के अंदर एक सिंपल फॉर्म होता है यूजली, या एक आप ईमेल लिंक प्रोवाइड कर देते हैं ताकि अगर किसी ने आपसे कॉन्टैक्ट करना है तो आपसे कॉन्टैक्ट कर ले। और प्राइवेसी पॉलिसी जैसे मैंने बता चुका कि आप एक ये आपको आराम से कहीं से भी गूगल से मिल जाती है, प्राइवेसी पॉलिसी जनरेटर के नाम से सर्च करेंगे तो आपको आराम से मिल जाएगी। तो ये बेसिकली यहाँ पे आप सिंपल अपनी पॉलिसी डिफाइन करते हैं कि हम कौन सी कुकीज जनरेट कर रहे हैं, उनका पर्पस क्या है, एटसेट्रा एटसेट्रा, एंड टर्म्स ऑफ यूज, वो भी एक क्या कहते हैं जेनेटिक टेक्स्ट होता है जो आप अपने पेज के लिए क्रिएट करते हैं। तो बताने का मकसद ये था कि जो पोस्ट हैं वो ऐसी चीज़ें हैं जो आपको कंटिन्यूसली चेंज करनी पड़ती हैं, ठीक है, आप नई नई पोस्ट ओवर टाइम क्रिएट करते रहते हैं, जबकि पेजेज ऐसी हैं जो स्टैटिक होते हैं जो आपकी एक बेसिक इन्फॉर्मेशन बार बार शेयर कर रहे होते हैं, ठीक है, और वो ज़्यादा इस्तेमाल में रहते हैं। ये जो दो स्टैटिक पेजेस से मैं इनको वैसे डिलीट कर रहा हूँ, यू कैन डिलीट फ्रॉम हेयर, मूव टू ट्रैश, अप्लाई किया, ये ट्रैश में चले गए। ट्रैश बेसिकली एक आपके पास उन्होंने ऑप्शन दिया हुआ है इन केस कोई मिस्टेकिंगली किसी पोस्ट को या किसी पेज को डिलीट कर दे तो वो ट्रैश में चले जाते हैं, ताकि आपके पास एक ऑप्शन और हो कि आप उसको डिलीट परमानेंटली करने से पहले सोच लें, क्योंकि मैंने इसको वैसे डिलीट करना था क्योंकि रफ कॉन्टेंट है, ठीक है, हमने इसको डिलीट कर दिया। अब आपने ठीक है ऑल पेजेस पे गए, यहाँ पे जीरो पेज है, आप न्यू पेज जो है यहाँ से ऐड कर सकते हैं, हम फर्स्ट पेज ऐड करते हैं अबाउट अस का अपने ब्लॉग के लिए। जो पेज की एडिटिंग है वो पोस्ट की एडिटिंग है वो ऑलमोस्ट सिमिलर है, सिर्फ थोड़े से चेंजेस आती हैं। जैसे आपने देखा होगा कि जब आप पोस्ट को क्रिएट करते हैं तो पोस्ट के इस सेक्शन में जहाँ पे ये फीचरिंग में डिस्कशन परमालिंक शो हो रहे हैं तो यहाँ पे पेज के अंदर कैटेगरीज और सब कैटेगरीज भी नज़र आती हैं और टैग्स भी नज़र आते हैं, लेकिन यहाँ पे पेज के अंदर ये चीज़ें नहीं होती, ठीक है। पेज हम क्रिएट कर रहे थे अबाउट अस, कंटेंट मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, आप अपना लिखें, ठीक है, और यहाँ पे जैसा भी कंटेंट जिस पेज के बारे में भी जिस चीज़ के बारे में ब्लॉग बना रहे हैं तो आपने ये कंटेंट कॉपी कर दिया। कुछ जो टास्क नंबर 2 था उस रिलेटेड कुछ चीज़ें मैंने कही थी, मैंने कहा था
कि आप कंटेंट कैसे कॉपी करेंगे, पेस्ट कर लिया, फिर आप लिंक कैसे ऐड करेंगे, जैसे मैं इसको लिंक ऐड करना चाहता हूँ एफिलिएट को, ठीक है, आप यहाँ से लिंक पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको लिंक मेंशन करना है, मैं फॉर एग्जांपल इसको लिंक दे देता हूँ amazon.com का, ये एक वेबसाइट है, ठीक है, मैंने लिंक में वो क्रिएट कर दिया। अब आप देखेंगे ये चीज़ें वो आ गया, वो लिंक आ गया है। अब इसमें दो तरह के लिंक होते हैं, एक लिंक वो होता है जो आपकी वेबसाइट पे ही, जो आपकी वेबसाइट के ही किसी पेज का होता है, और दूसरा लिंक होता है जो आप किसी दूसरी वेबसाइट का देते हैं। जैसे यहाँ पे हम अमेजन दे रहे हैं, तो हम इसको क्या एक ऑप्शन यूज़ करते हैं, ओपन इन न्यू टैब। ओपन इन न्यू टैब का फ़ायदा ये होता है, मैं इसको क्लिक करता हूँ फिर बताता हूँ, ठीक है। अब ये ओपन इन न्यू टैब हो गया है, इसको मैं पब्लिश करता हूँ। ये हमारा जो अबाउट अस पेज है वो रेडी हो गया है, इसने मुझे कहा आप पेज विजिट कर लें, मैं पेज पे जाता हूँ। हमने इस पेज के इस लिंक के साथ क्या लिंक लगाया था, ओपन इन अ न्यू टैब, इसको मैं क्लिक करता हूँ तो ये अब उसने एक न्यू टैब ओपन कर दिया। न्यू टैब ओपन करने का मुझे क्या फ़ायदा है, वो क्योंकि एक और वेबसाइट पे जा रहा है और वो शायद उस वेबसाइट पे कंटेंट इतना अच्छा हो कि वो मुझे भूल जाए कि मैं किस वेबसाइट से आया था, तो वो जो न्यू ये टैब है ये मेरे से ओपन रहेगा तो वो मेरी वेबसाइट पर रहेगा। अब इसमें दूसरा ऑप्शन ये होता है कि अगर आपने अपने यूज़र को अपनी किसी और वेबसाइट पर पेज पर सेंड करना है, जैसे मैं मेरे पास शायद जहाँ पर कोई अच्छी एग्जांपल हो इस वेबसाइट के लिहाज से, एक क्वेश्चन है मैं चेक कर लूँ क्या है, एडमिट ऑल, अबाउट अस प्राइवेसी पॉलिसी टर्म्स ऑफ यूज का पेज जो है ना, ये बनाना ब्लॉग के लिए जरूरी है क्योंकि ये पेज गूगल की डिमांड है, ठीक है। गूगल जब आपकी वेबसाइट को अप्रूव करने के लिए एडसेंस के लिए रिव्यू करता है, तो वो इन सारे पेजेस को लाजमी चेक करता है कि आपका एक अबाउट अस पेज बना हो, आपका एक प्राइवेसी पॉलिसी का पेज हो, आपका एक टर्म ऑफ यूज हो, आपका कॉन्टेक्ट अस पेज हो। अबाउट अस के अंदर आप डिफाइन करें कि आप कौन हैं, क्या हैं, और आपने ये पेज ब्लॉग क्यों बनाया है। कॉन्टेक्ट अस पेज के इनकेस आप कोई ऐसा कंटेंट यूज करें जो किसी के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा हो, एंड दैट पर्सन वांट कि ये कंटेंट आप रिमूव कर दें, जैसे ये ब्लॉग है, अब इसमें डिफरेंट डिजाइनर्स के बारे में मेंशन हुआ है, तो अब इसमें से कोई डिजाइनर कह दे कि फलां फलां प्रोडक्ट जो है वो काइंडली आप रिमूव कर दें, तो हाउ विल कॉन्टेक्ट मी, तो उसके लिए आपको उसको कॉन्टेक्ट का ऑप्शन देना होता है, ठीक है। और टर्म्स एंड यूज़ पॉलिसी जो होती है ये बेसिक वो होती है, ठीक है। ये किसी ने क्वेश्चन पूछा था कि क्या ये पेजेस जरूरी है कि नहीं, ठीक है। हमने सीखा कि अबाउट अस पेज कैसे बनाएंगे, अबाउट अस पेज हमने बना लिया, हमने देखा लिंक कैसे लगाया, और ये इसको न्यू टैब पे क्यों ओपन करते हैं, न्यू टैब पे तब ओपन करते हैं जब एक थर्ड पार्टी का लिंक हो, किसी और वेबसाइट पे जा रहा हो, ठीक है। ऐसा पेज जो मेरी वेबसाइट पे जा रहा होगा, जैसे मैं जाता हूँ डैशबोर्ड में, यहाँ पे मैं अपनी किसी पोस्ट का लिंक कॉपी करता हूँ, मैं जहाँ पे जाता हूँ जो पोस्ट हमने लास्ट सेशन क्रिएट की थी, ठीक है, सेकंड पोस्ट, इसमें व्यू करता हूँ। अब देखिए ये एक लिंक है, इसको मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पे जाके मैं फॉर एग्जांपल कंबाइंड एक्सपीरियंस इसको लिंक दे देता हूँ। अब मैं इसको न्यू टैब ओपन नहीं करूँगा, क्यों, क्योंकि जो यूज़र है वो मेरी वेबसाइट पर रह रहा है, ठीक है, लाइक दिस। मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ इस पेज पर, अब आप देखें दिस वन इज़ अ लिंक, ये लिंक है amazon.com का, तो ये न्यू टैब ओपन होगा, ये देखें ये न्यू टैब ओपन हो रहा है, ठीक है। और ये दूसरा लिंक है कंबाइंड एक्सपीरियंस, ये मेरी वेबसाइट पे जा रहा है, तो ये मेरी वेबसाइट पे ओपन हो रहा है, इसके लिए मुझे न्यू टैब की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यूजर जो है वो मेरी वेबसाइट पर ही है, तो इन दोनों लिंक्स में क्या फ़र्क है, तो लिंक नंबर वन इज नोन एज एक्सटर्नल लिंक जो आप किसी और वेबसाइट पर भेज रहे होते हैं, और दूसरा होता है इंटरनल लिंक जो आप अपनी वेबसाइट पर भेजे होते हैं। ये तो सिंपल वो लिंक्स की एक्सप्लेनेशन थी, इसलिए क्योंकि मैंने ये क्वेश्चन आई थिंक लास्ट में जो टास्क था उसके अंदर पूछा भी है, ठीक है, और कैसे क्रिएट करने, तो मैंने दिखा दिया दोबारा। और अब डॉक्यूमेंट में जाते हैं, ये आपका अबाउट अस पेज था, अब इसके अंदर अगर आपको इमेज ऐड करना है, ठीक है, आपके पास फोटो तौर पर वो तीन इमेज स्टोर हो रहे हैं जो आप ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, अगर आप कोई नया इमेज ऐड करना चाहते हैं तो आप यहाँ से सेलेक्ट फाइल करके किसी इमेज को ऐड कर सकते हैं, ठीक है। वो लास्ट सेक्शन में हमने एक्सप्लेन किया था, तो मैं फिलहाल यहाँ से एग्जिस्टिंग इमेज को शो सेलेक्ट कर रहा हूँ, इसको मैंने सेट एज फीचर इमेज किया,
अभी इसे अपडेट करते हैं और हम जाते हैं अबाउट अस। देखिए जो पेजेस हैं वो ऑटोमेटिकली मेन्यू में शो हो रहे हैं, क्योंकि लास्ट सेशन में मुझे कुछ लोगों ने सवाल किया था सर कैटेगरीज को कैसे मेन्यू में शो करेंगे या पोस्ट को कैसे कैटेगरी में शो करेंगे। तो जो पेजेस होते हैं यूजुअली ये कैटेगरी में शो होते हैं, सॉरी मेन्यू में शो होते हैं। तो ये देखिए ये ऑटोमेटिकली मेन्यू में शो हो रहा है अबाउट अस। इसको हम सॉर्ट आउट कैसे करेंगे या इसकी क्या कहते हैं प्रॉपर तरीके से कैसे शो करेंगे, और वो जो सब मेन्यू और ये चीज़ें होती हैं ये कैसे ऐड करेंगे, वो मैं चला चला जब मेन्यू पे आते हैं फिर इसके अंदर मैं वहाँ पे ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। और ये भी कि अगर आप किसी कैटेगरी को शो करना चाहते हैं तो वो कैसे करेंगे। अब ये अबाउट अस पेज है, ये टाइटल है जो हमने डिफाइन किया यहाँ पे, ये फीचर इमेज है जो हमने डिफाइन की यहाँ पे, ये क्या है ये टेक्स्ट है जो हमने डिफाइन किया यहाँ पे, ये लिंक्स हैं जो हमने डिफाइन किए यहाँ पे, ठीक है। और इसके अलावा आप जितना कंटेंट ऐड करना चाहें आप करते कर सकते हैं। अगर आप कंटेंट के अंदर कोई इमेज ऐड करना चाहते हैं, जैसे ये यहाँ पे प्लस का साइन है, वो पूछ रहा है कि ऐड करना है पैराग्राफ इमेज हेडिंग गैलरी लिस्ट एंड कोट। मैं कहता हूँ मुझे इमेज ऐड करनी है, वो पूछ रहा है इमेज अपलोड करेंगे या मीडिया लाइब्रेरी उठाएंगे। मैंने अगेन एक एग्जिस्टिंग इमेज उठा ली है, ठीक है, सिलेक्ट की और ये इमेज यहाँ पे शो हो गई। अब यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन आ रहे हैं कि मुझे इमेज की अलाइनमेंट कैसे सेट करनी है। वो मुझे पूछ रहा है इसको लेफ्ट रखना है, इसको सेंटर करना है, इसको राइट करना है, जो आपके पास वर्ड में ऑप्शन आती हैं, इसको वाइड फुल करना है, इसको फुल विड्थ करना है। मैं इसको फिलहाल सेंटर कर रहा हूँ, ठीक है। और ये इसका कैप्शन शो हो रहा है जो हमने डिफाइन यूजली किया होता है, ये देखिए यहाँ पे ये अच्छा ये वहाँ पे एक्सप्लेन होगा जब मीडिया के अंदर हमने लाइब्रेरी में वहाँ पे डिस्कस किया था, ठीक है। तो यहाँ पे वो हो गया। अगर मुझे रिप्लेस करना है मैं इस पर क्लिक करूँगा, अगर मुझे क्रॉप करना है मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, ठीक है। वो मुझे पूछा कितना इमेज आपने शो करना है, इन केस यू वांट टू क्रॉप, आप उसको क्रॉप कर लेंगे, ठीक है। अप्लाई कर लिया, ठीक है। इन वर्ड इफ यू वांट टू रिप्लेस तो वो अगेन आपसे पूछेगा आपने मीडिया लाइब्रेरी से करना है या आपने कोई नई फाइल अपलोड करनी है, ठीक है। मैं इसको रिप्लेस नहीं कर रहा फिलहाल, ये सही इमेज है, ठीक है। और एक क्वेश्चन जो था वो मेरा था कि हमें अगर बुलेट्स क्रिएट करनी हो तो वो कैसे करेंगे। हम जाते हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल, ठीक है। ये डिफरेंट मैंने एक फिर से वो कर दी है और इसको चलिए अच्छा ये डिफरेंट उसमें चला गया, सॉरी 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 सॉरी, ये मेरी मिस्टेक है, इसको काइंडली इग्नोर कीजिएगा, ठीक है। मुझे यहाँ पे डिफाइन करना था मैं क्या लिखना चाह रहा हूँ। हम जाते हैं पैराग्राफ पे, नहीं इसके लिए मुझे एक दफा नेक्स्ट सेशन जाने दें ताकि मैं फिर आपको बताता हूँ कि मैंने क्या गलती की है यहाँ पे, ठीक है। फिर मैं आपको बताऊंगा कैसे आप बुलेट क्रिएट कर सकते हैं, इसलिए मैं माजत खाऊं, ठीक है। और मूविंग फॉरवर्ड चलें, इसको मैं अगेन एक्सप्लेन कर दूंगा बुलेट्स कैसे ऐड करेंगे, ठीक है, इसलिए मैं माजत खाऊं, ठीक है। परमालिंक्स मैंने बताया था जो आपका यूएस लग होता है, ठीक है। अबाउट अस ये वो लिंक है जो आपके यूआरएल के साथ ऐड होगा, नवंबर 11 एंड दिस इज अबाउट अस, ठीक है। इसको आप चेंज भी करना चाहते हैं, अगर आप इसको सिंपल अबाउट शो करना चाहते हैं आप इसको सिंपल अबाउट कर दें, इसको आप अपडेट कर दें। एक में किसी का क्वेश्चन है, लिंक क्रिएट करना, रिपीट करते हैं एक मिनट। अच्छा अब देखिए मैंने यहाँ से इसका परमालिंक चेंज किया था, तो अब अगर मैं इसको पुराने लिंक से एक्सेस करना चाहूँगा तो ये मुझे पे नॉट फाउंड का एरर दे देगा। क्यों? क्योंकि हमने इसका लिंक यहाँ से चेंज कर दिया था, ठीक है।
अब इसको मैं एक्सेस कर सकता हूँ कहाँ से, माई वेबसाइट नेम स्लैश अबाउट। और यहाँ पे हमेशा अच्छा ख्याल रखिएगा कि जो लाइव सर्वे होता है वहाँ पे जो अगर कैपिटल वर्ड्स में जो आप नाम देंगे और जो स्मॉल लेटर्स में आप नाम देंगे उनको वो डिफरेंट कंसिडर करता है। इन केस अबाउट अस दिस वन, अगर मैं इसको कैपिटल में लिखूंगा ए बी ओ यू टी, इट विल बी अ सेपरेट यूआरएल और मुझे मैं इसके साथ स्मॉल ए बी ओ यू टी के साथ एक सेपरेट यूआरएल भी क्रिएट कर सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि वो डिफरेंट यूआरएल कंसिडर करता है क्योंकि ये एस्की वैल्यू के साथ जाते हैं और जो सर्वर है वो उनको डिफरेंट क्या कहते हैं वैल्यूज या पेजेस कंसिडर करेगा। सो हमेशा इस चीज़ का ख्याल रखिएगा कि अपने यूआरएल या स्लग्स जब भी क्रिएट करें तो उनको हमेशा स्मॉल लेटर में करें क्योंकि एक यूनिवर्सल है और ज़्यादातर ब्लॉग में आप चेक करेंगे कि हमेशा स्मॉल लेटर में शो रहा होता है, ठीक है। मैंने बता दिया परमानेंट कहाँ से चेंज होता है, यहाँ से। और मेरे से एक सवाल किया है कि जो लिंक है वो कैसे आप ऐड कर सकते हैं या रिमूव कर सकते हैं। मैं इसको ये जो एड्रेस पेन के नाम से आ रहा है, यहाँ पर आप देखिए आपको ये लिंक का ऑप्शन नज़र आ रहा है, मैं इस पर क्लिक करूँगा, ये मेरे सामने सर्च और टाइप यूआरएल आ गया। मैं इसको लिंक देना चाहता हूँ, हमारी वेबसाइट पे जाते हैं जो एक थर्ड पार्टी है, दूसरी वेबसाइट है, तो मैं इसमें जाऊँगा ओपन इन न्यू टैब और मैंने इसको सेलेक्ट कर दिया। अब ये एक यूआरएल ऐड हो गया, ठीक है। अबाउट अस मैं यहाँ पे जाऊँगा और ये यूआरएल ऐड हो गया, जब मैं क्लिक करूँगा तो ये मुझे स्पेसिफिक वेबसाइट पर ले जाएगा, ठीक है, इसका हमने लिंक दिया था। तो लिंक आप ऐसे ऐड करते हैं, ये था एक्सटर्नल। इसके अंदर आपने डिफाइन किया और कि आपने एक्सटर्नल लिंक कैसे डिफाइन करना है। और अगर आप इसको क्या कहते हैं सिर्फ अपनी वेबसाइट पे भेजना चाहते हैं या इसकी न्यू टैब ओपन करना चाहते हैं तो वो इसमें सिर्फ आप न्यू टैब का जो ऑप्शन है उसे डिसेबल कर देंगे, जैसे मैंने आपको पहले थोड़ी पहले बताया था। यार एक मुझे ना चैट नहीं लग रहा था, एक मिनट, ठीक हो गया। पेजेस ऐसे क्रिएट होंगे, हमने एक पेज क्रिएट कर लिया अबाउट अस का, एक पेज हम और म्यूजिक क्रिएट कर लेते हैं, मैं वर्डप्रेस वापस जाता हूँ, कॉन्टेक्ट अस का, ठीक है। कॉन्टेक्टर्स के लिए हमें यूजली फॉर्म चाहिए होता है, आपने देखा होगा ज़्यादातर वेबसाइट पे एक फॉर्म होता है, वो फॉर्म कैसे आएगा वो इंशाल्लाह ताला हम एक्सप्लेन करेंगे। प्लगइन वाले सेक्शन में फिलहाल यहाँ पे भी मैं सिंपल एक डमी टेक्स्ट यहाँ से उठा रहे हैं और उसको हम कॉपी कर रहे हैं। और आप ये देखिएगा कि जैसे ही इसका मैं फीचर इमेज एडिटिंग कर रहा, परमालिंक जो है इसका बाय डिफॉल्ट कॉन्टेक्टर्स से, उसको आपने चेंज करना हो तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। पोस्ट मैंने बताया था पब्लिक प्राइवेट और पासवर्ड प्रोटेक्टेड क्या होती है लास्ट लेक्चर में, इसके अंदर एक और ऑप्शन ये होता है पब्लिश इमीडिएटली, या आप इसको किसी प्रीवियस डेट में अपलोड करना चाहते हैं या आप इसको स्केड्यूल करना चाहते हैं प्रीवियस पोस्ट में, यहाँ से आप क्या कहते हैं टाइमिंग और डेट चेंज कर सकते हैं। और आप फॉर एग्जाम्पल कहते हैं कि ये पेज जो है ये 1 नवंबर की डेट को शो, तो आप यहाँ से शो कर सकते हैं। और इन केस आप चाहते हैं कि मेरी वेबसाइट 1 जनवरी को जब न्यू ईयर स्टार्ट हो रहा है तब मेरा ब्लॉग लाइव हो, तो आप सारी पोस्ट 1 जनवरी के लिहाज से प्लान कर सकते हैं, तो दे विल बी स्केड्यूल टू पब्लिश ऑन दैट स्पेसिफिक डेट। और ये ज़्यादातर वो ब्लॉगर्स कर रहे होंगे जो ज़्यादा बिजी होंगे, मसरूफ होंगे, तो उनको जिनको सिर्फ वीकेंड पर टाइम मिल रहा है वो वीकेंड में बैठते हैं, 10 या 6 या 5 जितनी भी पोस्ट हैं वो सारी क्रिएट की, उनको रेडी किया और उनको नेक्स्ट पूरे वीक के लिए स्केड्यूल कर दिया, तो डेली एक एक पोस्ट अपलोड होती रहेगी, सो दे डोंट हैव टू वर्क और दे डोंट हैव टू चेक द वेबसाइट ओवर टाइम कि मुझे आज पोस्ट पब्लिश करनी है और वो करना है, तो उसको यहाँ से शेड्यूल कर सकते हैं, ठीक है। ये जो पब्लिश इमीडिएटली, ये पोस्ट में भी ऑप्शन है, ये पेजेस में भी ऑप्शन है। विजिबिलिटी हमने डिस्कस कर ली थी, 3 तरह की है, प्राइवेट, पासवर्ड प्रोटेक्टेड और पब्लिक, ठीक है। और परमालिंक्स हमने डिस्कस कर लिया क्या है, फीचर इमेज हमने डिस्कस कर लिया क्या है, डिस्कशन ये है कि अगर आप इसको कमेंट शो करना चाहते हैं कि नहीं, वो हमने पोस्ट में भी डिस्कस किया था। मैं इसको सिर्फ उसके लिए दिखाने के लिए कि अलाउ कमेंट्स करता हूँ, कॉन्टेक्टर्स पेज है, पब्लिश करता हूँ, लेकिन यहाँ पे यूजली ये भी देखना होता है कि क्या ये थीम अलाउ करता है कि नहीं, ठीक है, डिफरेंट थीम टू थीम वैरी करता है। और मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, क्योंकि ये एक पेज था तो ये देखिए यहाँ पे शो हो रहा है, मैं कॉन्टेक्टर्स पे क्लिक करता हूँ और देखिए ये आपको कमेंट सेक्शन शो हो रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे कमेंट्स
क्योंकि यहाँ पे हमने कमेंट्स इनेबल किए थे। मैं इसको डिसेबल करता हूँ, ठीक है। और ये जो कमेंट्स का ऑप्शन है, ये थीम, अगेन मैं बता रहा हूँ कि थीम टू थीम वेरी करता है, तो आपको हमेशा थीम की ऑप्शन जो है उनको चेक करना होगा कि बाय डिफॉल्ट वो कमेंट्स एक्टिव कर रहा है नहीं कर रहा। अगर नहीं कर रहा तो उसको कैसे आप एक्टिव कर सकते हैं, ठीक है। और ये डिफॉल्ट टेम्पलेट है, और इसके अंदर देखें दो टेम्पलेट्स हो रहे हैं। ये टेम्पलेट जो है ये अगेन थीम टू थीम वेरी करेंगे। फिलहाल ये एक डिफॉल्ट टेम्पलेट जिसमें कंटेंट दरमियान में शो हो रहा है, ये एंड में फुटर शो हो रहा है, और सेक्टर सेक्टर हम दूसरा टेम्पलेट यूज करते हैं, फॉर एग्जाम्पल कवर टेम्पलेट, इसको अपडेट करते हैं और देखते हैं इसका क्या असर पड़ा था। दे रखें ये सेम टू सेम वही चीज़ है, और मतलब जो कवर है वही डिफॉल्ट था। अगर हम फुल विड्थ पे जाते हैं, इसको अपडेट करते हैं, ठीक है। ये टेम्पलेट जो है ये थीम टू थीम वेरी करेंगे, और ये ठीक है, अगेन इसमें कोई खास फर्क नहीं पड़ा, ठीक है। मैं इसको फुल विड्थ पे चला जाता हूँ, और क्योंकि अभी ये क्योंकि बिल्कुल बेसिक थीम होता है, इसके अंदर इतनी ज़्यादा ऑप्शंस नहीं है। जब हम कुछ और थीम डिस्कस करेंगे तो वहाँ पर बेसिकली ये फीचर जो है ना ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन होगा कि टेम्पलेट्स क्या होते हैं और आप टेम्पलेट्स कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं, और बनाना तो हम बना नहीं रहे खुद, तो वी हैव टू रिलाई ऑन थीम्स, ठीक है। और ये दो पेज हमारे क्रिएट हो गए। थर्ड पेज हम कर देते हैं क्रिएट टर्म्स एंड पॉलिसी का। अब टर्म्स एंड पॉलिसी एक ऐसा पेज होता है, टेम्पलेट डाउनलोड कर सकते हैं या फ्री भी हो, थीम्स जो है वो फ्री भी होते हैं और प्रीमियम भी होते हैं। थीम्स के अंदर टेम्पलेट्स होते हैं डिफरेंट पेजेस के लिए। आपको अपना अबाउट अस पेज कैसे शो करना है उसके लिए, आपको अपना होम पेज कैसे शो करना है उसके लिए, आपको अपना ब्लॉग पेज कैसे शो करना है, आपको कॉन्टेक्ट पेज कैसे शो करना है, आपको पेज फुल विड्थ शो करना है, आपको पेज विद द साइड बार शो करना है, तो इसके लिहाज से डिफरेंट टेम्पलेट्स बने होते हैं। यहाँ पे मैं किसी एक थीम पे जाता हूँ जो फेमस चल रहे हों, इसमें से किसी एक थीम पे हम ब्लॉगर थीम से अब ये हेमिंग में वर्डप्रेस थीम है, सॉरी ये क्वेश्चन किसी ने पूछा कि टेम्पलेट्स को डाउनलोड कर सकते हैं या नहीं, ठीक है। मैं सिर्फ एक बेसिक चीज़ का रिप्लाई करना चाह रहा हूँ ताकि मैं एक्सप्लेन कर सकूँ कि ये टेम्पलेट्स हैं ये क्या चीज़ें होती हैं, अगर मुझे एक अच्छा थीम नज़र आ जाए जहाँ पर मैं शो कर सकूँ। View demo. ये एक थीम है वर्डप्रेस का जो आप डाउनलोड कर सकते हैं, अपनी वेबसाइट यूज कर सकते हैं। आप देखें यहाँ पे पेज टेम्पलेट आपको शो हो रहे होंगे, ठीक है। दिस इज अ डिफॉल्ट थीम जिसके अंदर यहाँ पे पोस्ट शो हो रही है, एक साइड बार शो हो रही है, और इसके अंदर एक टेम्पलेट है नो साइड बार टेम्पलेट। इसमें मैं क्लिक करता हूँ, आप देखें अब इसमें साइड बार नहीं है, इसमें सिंपल एक पोस्ट शो हो रही है और उसके नीचे कमेंट और रिस्पेक्ट का फुल विड्थ टेम्पलेट है। ये देखिए ये फुल विड्थ तक एक्सटेंड कर गया है, ठीक है। फुल विड्थ और जो इसमें क्या फर्क था, दोनों में क्या फर्क है, फुल विड्थ आप देखें ये यहाँ तक एक्सटेंड कर रहा है, जो नो साइड बार है इसके अंदर भी कोई साइड बार नहीं है, कोई कंटेंट जो है वो मिडल में है, ठीक है। आर्काइव टेम्पलेट है जहाँ पे आपकी पोस्ट कैटेगरी शो होंगी, वो टेम्पलेट इसने इस अंदाज का बनाया हुआ जैसा होम पेज था हमारा, ठीक है। तो बेसिकली ये टेम्पलेट्स हैं, और ये ब्लॉग टू ब्लॉग वेरी करते हैं, हर ब्लॉग डिफरेंट किस्म के या हर थीम डिफरेंट किस्म के जो टेम्पलेट्स हैं ना वो प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है, जो आप यूज कर सकते हैं। दो पेज हमने क्रिएट कर लिए, थर्ड पेज हम क्रिएट कर रहे हैं टर्म्स ऑफ यूज, अगेन डमी कॉन्टेंट, ठीक है। इसको हम पब्लिश कर देते हैं, ये पब्लिश हो गया, और आप देखेंगे कि ये भी आपको यहाँ पे नजर आ जाएगा। ठीक है, टर्म यहाँ पे नजर आ गया। अभी तीन पेजेस हो गए, आई थिंक पेजेस काफी हो गए, ठीक है। हमने कैसे एक्सप्लेन करना था,
और अबाउट अस के अंदर हमने कुछ चीज़ें अगेन डिस्कस की थी, मैं यहाँ पर थोड़ा सा उनको दोबारा बता देता हूँ। एडिट क्या है, एडिट जब क्लिक करते हैं तो ये ओपन करता है फुल इंटरफेस, जहाँ पे आप जाके इसका कंटेंट अपडेट कर सकते हैं, इसकी फीचर इमेज एटसेट्रा एटसेट्रा, जो भी चीज़ें आप चेंज करना चाहें किसी पेज के लिए वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। क्विक एडिट क्या है, इनकेस आपने डेट चेंज करनी है, ठीक है, इन केस आपने सिर्फ स्लग चेंज करना है, इन केस आपने इसका कोई पेरेंट चेंज करना है, मजीद आप चाहते हैं कि ये मेन पेज नहीं है, ये सब पेज है, सेकेंडरी पेज है, आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। इन केस यू वांट टू चेंज द टेम्पलेट, अगेन क्योंकि यहाँ पे टेम्पलेट तीन हैं और तीनों एक ही शेप में आ रहे हैं तो वो नहीं है। इन केस यू वांट टू अलाउ कमेंट्स और डिसेबल कमेंट्स, तो आप क्विक एडिट से जाके कर सकते हैं, बजाय कि आपको यहाँ पे आना पड़े और जहाँ पे आप चेंज करें, तो ये ऑप्शन जहाँ पे अवेलेबल होता है आप क्विक एडिट में जाएं और यहाँ पे जाके चेंज कर लें। और जो पोस्ट होती हैं, पोस्ट के अंदर मजीद दो ऑप्शन होते हैं, कैटेगरी और टैग्स का, आप वहाँ से कैटेगरी और टैग भी क्विक एडिट में जाके चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ से अगर आप स्टेटस चेंज करना चाहें, पब्लिश, पेंडिंग रिव्यू या ड्राफ्ट, पेंडिंग रिव्यू जो ऑप्शन है ये यूजली तब यूज़ होता है जब आपके ब्लॉग में मल्टीपल यूजर्स होते हैं, ठीक है, उनमें से कुछ एडिटर्स होते हैं, कुछ एडमन होते हैं, कुछ सब्सक्राइबर होते हैं, कुछ रीडर्स होते हैं, तो वो अगर किसी एडिटर ने या किसी जो एनालिस्ट है उसने कोई पोस्ट पब्लिश की तो मे बी दे वांट अ एडमन रिव्यू, तो उसको आप पेंडिंग रिव्यू में छोड़ देते हैं, एडमन उसे रिव्यू करता है तो उसके बाद उसको या लाइव कर देता है या रिजेक्ट कर देता है, ठीक है, और वो ऑप्शन तब आता है जब आप मल्टीपल यूजर की आपकी वेबसाइट होती है। सो पेजेस बेसिकली मेरे ख्याल में एक्सप्लेन हो गए कि आप पेजेस कैसे क्रिएट कर सकते हैं, उसमें कॉन्टेंट कैसे अपलोड कर सकते हैं। सिर्फ एक चीज़ में एक्सप्लेन नहीं कर पाया, वो कैसे है कि बुलेट्स कैसे ऐड करते हैं, बुलेट्स में इंशाल्लाह ताला आपको नेक्स्ट सेशन में एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। उसके बाद कॉन्टेक्ट अस, अबाउट अस, पेज टर्म्स एंड व्यूज, सब कुछ हमने डिस्कस कर लिया। ऐड न्यू पेज, यहाँ से आप ऐड न्यू पेज क्रिएट कर सकते हैं। अब आते हैं कमेंट्स की तरफ। कमेंट्स यूजली ऐसी चीज़ें जो कोई भी यूजर्स जो आपके हैं वो आपकी पोस्ट के ऊपर लिखते हैं, ठीक है। आपका एक ब्लॉग था कि वर्डप्रेस को कैसे इंस्टॉल करते हैं, ठीक है, फॉर जैसे हमने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया। अब वहाँ पे क्या पता कोई यूजर आपसे कमेंट